हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे चकी सीजन वन की, जो कि आपको यूएसए नेटवर्क पे देखने को मिलेगा। लेकिन ये आपको फ्री में कहां पर देखने को मिल सकता है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। खैर, टोटल आपको 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 41 मिनट से लेकर 54 मिनट के बीच में ही है। और ये शो आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, फिलहाल हिंदी में अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये रिलीज हुआ यूएसए नेटवर्क पे। खैर, बात करें शो की कहानी की, तो कहानी सिंपल सी ये है कि जेक जो कि स्कूल में है, इसे 10 बक्स में मिलता है चकी, चकी डॉल मिलती है। अब इसको नहीं पता कि ये एक साधारण डॉल नहीं बल्कि ये एक सीरियल किलर डॉल है। अब उसके बाद जेक की लाइफ में क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। तो मैं आपको एक ही चीज बोल सकता हूँ कि जो लोग चकी के फैन या जो लोग चाइल्ड्स प्ले ये पर्टिकुलर मूवी को देखे, इसके स्पिन ऑफ को देखे, तो उनको पता होगा कि यार चकी किस लेवल का सीरियल किलर है। और सिर्फ चकी के लिए आप लोग इस पर्टिकुलर शो को देखोगे, लेकिन जैसे ही शो देखने बैठोगे उसके बाद आप यकीन मानो जगह से नहीं लोगे, आप लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाओगे। और आपकी जितनी भी शिकायत है इसके स्पिन ऑफ को देख देख कर कि यार वो मज़ा कहीं ख़त्म हो गया, तो वो कहीं ना कहीं शिकायत आपकी यहाँ पर दूर होगी। और सीरियसली आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस शो, बट मज़ा आ गया भाई, फुल ऑन चक्की ही चक्की आपको नजर आएगा। और चक्की की एक चीज बताओ कि ये भाई मैनिपुलेट बहुत अच्छी तरह से करता है, और इस शो में भी आपको वो सारी चीजें नजर आएगी। उसके अलावा यहाँ पर हमें चार्ल्स ली रे एके चक्की के बचपन से लेके उसके टीनेज होने तक की सारी चीजें आपको फ्लैशबैक के थ्रू इस पर्टिकुलर शो में देखने को मिलती, जो कि अगेन आपको बताता है कि चक्की कैसा था और चक्की एक सीरियल किलर बना कैसे। ये भी चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पर बताई, जो कि आपको देखकर बहुत ज़्यादा मजा आएगा। ये मैं उनको बोल रहा हूँ जो लोग चक्की से रिलेटेड कोई भी मूवी नहीं देखे, लेकिन उनको एक सीरियल किलर की मूवी देखना, एक यूनिक अलग तरह की देखना, तो भाई ये पर्टिकुलर शो देखो, डेफिनेटली मजा आएगा। और मैं आपको कह सकता हूँ कि 2021 का दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड शोज ऑफ द ईयर, ये आप लोग लिख के ले लो। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है और जितने भी वॉयलेंस की सीन से बहुत अच्छी तरह से शूट किए। और अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो हर एक एपिसोड को बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे। उसके अलावा शो में अगर कैरेक्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पर मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, हर एक कैरेक्टर को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, जीएम अच्छा है। और कुल मिला के ये एक मच वॉच शो है जो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। और हाँ, पेरेंटल गाइडेंस के लिए इतने बोलूंगा कि ये शो फैमिली के लिए नहीं है। इसमें ऑब्वियसली यार सीरियल किलर तो भाई बहुत सारी किलिंग्स है और कुछ किसिंग सीन्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। हाँ यार, एक ब्रेकिंग न्यूज जो मैं आपको बताने के लिए भूल गया कि भाई इसका सीजन 2 डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि कल ही ये रिन्यू हुआ है सीजन 2 के लिए। तो यार अब फटाफट सीजन 1 जाके देख लो। अब मैं इस पर्टिकुलर शो को रेटिंग दूंगा 7.5 out of 10। और हाँ, ये आपको फ्री में फिलहाल अगर इंडिया में रहते हो तो कहाँ देखने को मिलेगा, तो भाई टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पर आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग नहीं समझ में आ रहा तो जो टेलीग्राम अकाउंट से, जिसके टेलीग्राम अकाउंट से मैंने इस पर्टिकुलर शो को देखा, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाना। अगर वो वैलिड रही जब तक तो भाई जाके डाउनलोड करके देख लेना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपको ये शो कैसा लगा, अगर आप लोगों ने देखा है तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप लोग चकी के कितने बड़े फैन हो, हालांकि उसकी किलिंग्स के फैन मत रहना, लेकिन एज अ डॉल, मतलब वो पापी गुड़िया जिसको हम लोग हिंदी वर्जन में बोलते हैं, वो डॉल आपको कितनी डराती है, आप उसके कितने बड़े फैन हो, ये मुझे कमेंट्स के जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।